जोहार नमस्कार संजय मेहता का साथ किसी ने भी नहीं दिया पार्टी में उनके इस्तीफे को जल्दबाजी में तो ना भी कहा जाए तो सोच समझ करके स्वीकार कर लिया गया और जैसा कि यह उम्मीद की जा रही थी कि चाहे वो कोडरमा के लोकसभा के प्रत्याशी हों मनोज यादव साथ देंगे या फिर रांची के लोकसभा प्रत्याशी हों देवेंद्र नाथ महतो साथ देंगे लेकिन ऐसा लगा कि कहीं किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और इससे यह भी लगा कि जिस तरह से पहले से ऐसा कहा जा रहा था कि मनोज यादव कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं या फिर जो है केंद्रीय अध्यक्ष से उनकी नाराज़गी है या फिर यही बात जो है वो देवेंद्र नाथ महतो को लेकर कही जा रही थी रांची जिला में जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ उठ रही थी तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने भी संजय मेहता का साथ नहीं दिया तो इसका मतलब है और न ही उनके पक्ष में ऐसा हुआ कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए कि आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया तो इससे यह लग रहा है कि जो कुछ भी उनके आसपास के भी जितने समर्थक थे वो दरअसल जयराम महतो के समर्थक थे वो जे बी के एस एस के समर्थक थे वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थक थे और उस रूप में उनके अपने समर्थक नहीं थे जो कम से कम उनके पक्ष में आवाज़ उठाएं और कम से कम यह सवाल करें कि उनको उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और क्यों उनको इस तरह से अपमानित किया गया था जिससे लेकर वो इस्तीफा देने को बाध्य हुए तो मनोज यादव भी जिस तरह से लगातार पार्टी में जिस तरह की कमियां रही हों उसे दूर करने के लिए प्रयासरत रहे केंद्रीय अध्यक्ष के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहे अपनी बात पहुंचाते रहे अपनी बातों को वहां तक पहुंचा करके कमियों को दूर करते रहे और यही सब कुछ जो है वो देवेंद्र नाथ महतो ने भी किया और बाद में जिस तरह से उनकी पदयात्रा को भी केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने समर्थन किया फिर जिस तरह से कुछ सवाल जो है मनोज यादव ने उठाए तो फिर उनके साथ भी केंद्रीय अध्यक्ष की बातचीत हुई और सहमति की कोशिश की गई प्रयास किए गए और अंत में सुलह के सभी रास्ते खुले रखे गए और जो है उन कमियों पर विचार विमर्श का कम से कम वो दिशा निर्देश दिया गया कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो कमियाँ बताई गई हैं उनको दूर किया जाएगा इस आ, मामले में ख़ासकर संजय मेहता के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया क्योंकि संजय मेहता को लेकर जिस तरह से पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था जिस तरह से पार्टी में उनके खिलाफ़ विरोधी स्वर उठ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि संजय मेहता कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो पार्टी से ऊपर मान रहे हैं और यही कारण है कि न मनोज यादव ने खुलकर उनके पक्ष में उनका बचाव किया न देवेंद्र नाथ महतो ने खुलकर के उनके पक्ष में उनका बचाव किया और न पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने और प्रवक्ता ने उनके पक्ष में उनका बचाव किया इससे साफ दिखा कि संजय मेहता ही कही कहीं ना कहीं गलत हैं कहीं ना कहीं उनमें ही तमाम तरह की गलतियां थी और कहीं ना कहीं पार्टी के दिशा निर्देश को और केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह से वो चुनौती दे रहे थे सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में उसको कम से कम पार्टी नेतृत्व और जरा मत उसको सही ढंग से नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि तमाम जो है प्रवक्ता भी हों पार्टी नेता भी हों उनके खिलाफ जिस तरह से इस्तीफ़ा के बाद जिस तरह से बोल रहे हैं मुखर होकर बोल रहे हैं उसमें चुनौती दी जा रही है संजय मेहता को कि अगर आपको लेकर जिस तरह से पार्टी की सोच थी पार्टी ने आपको जिस तरह से प्रोत्साहित किया और उसके बदले में आपने क्या पार्टी के साथ सलूक किया और उसके बाद जो है आप आपसे जो जवाब तलब किया गया तो उस तरह के जो रिपोर्ट और जो उस तरह से जो आपको नोटिस से सर्व किया गया उसको आप सार्वजनिक करें और उसमें आप बताएं कि आपसे क्या पार्टी की तरफ से जो है जवाब तलब किया गया था आप उसको जो है उस रूप में देने से बचते देखे गए तो इस तरह से अब पता चल रहा है कि क्यों जो है वो उनके पक्ष में किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठी किसी प्रकार की कोई उनको लेकर के कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ किसी प्रकार की कहीं वहाँ पर उनके पक्ष में कोई एक भी जो है नेता इस तरह से उनके पक्ष में नहीं आया और सभी जो है अपनी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो जो भी उनकी स्थिति थी उसी को बचाए बचाए रखने में लगे रहे और इससे संदेश गया कि कहीं न कहीं पार्टी में अनुशासन को लेकर जिस तरह से जयराम महतो गंभीर हैं और नेतृत्व गंभीर है और कोर कमेटी गंभीर है उसमें कम से कम किसी को छूट नहीं मिलने वाली हो चाहे उसमें संजय मेहता हूँ चाहे देवेंद्र नाथ महतो हूँ या फिर मनोज यादव हों या यहाँ तक कि जयराम महतो खुद अपने आप को इस इस में रखते हैं कि अगर उनसे भी कोई गलती हो तो इस तरह से जो है वो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है मैंने इस तरह से एक स्वतंत्र रूप से इस तरह से एक बात कही जाती है कि वो आ, अपने जानते भर में कोई अनुशासन भंग करने की कोशिश नहीं करते हैं और यही वजह है कि सबसे अधिक वो काम करते हैं क्योंकि पार्टी में केंद्र अध्यक्ष के नाते जो है उनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है लेकिन दूसरे नेता तमाम जो है जो बड़िए पदाधिकारी हैं बड़िए जो उपाध्यक्ष हैं या केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं तो उनको अपनी जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से वो काम नहीं करते हैं लेकिन और सुझाव और सलाह सार्वजनिक तौर पर देते हैं जो पार्टी फोरम में देने की ज़रूरत है पार्टी के अंदर देने की जरूरत है लेकिन ऐसा ना करके वो बार बार अनुशासन भंग करते हैं तो संजय मेहता अब ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर पिछले कुछ महीने से एकदम अलग थलग पड़ गए थे और उनके किसी भी एक्शन को उनके किसी भी सुझाव को लेकर कम से कम पार्टी गंभीर नहीं थी केंद्रीय नेतृत्व गंभीर नहीं था और उनके सुझाव भी उस तरह के नहीं थे कि जिस तरह से उस पर किसी प्रकार का अमल किया जाए और नहीं तो कम से कम मनोज यादव ही सबसे पहले रांची की प्रेस वार्ता में मुखर हुए थे और उन्होंने यहाँ तक पार्टी को भस्मा सूर कह दिया था पार्टी में अध्यक्ष को उन्होंने राजा तक की संज्ञा दे दी थी और यहाँ तक कहा था कि व्यक्तिवादी हैं और इस तरह तो इतने गंभीर आरोप लगा कर के भी मनोज यादव अगर सुलह कर लेते हैं और पार्टी से वो नाता नहीं तोड़ते हैं पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं और पार्टी की कमियों को बता कर कि के केंद्रीय अध्यक्ष के करीब आते हैं समीप बने रहते हैं और केंद्रीय अध्यक्ष भी उनकी सलाह को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हैं और उसी तरह से देवेंद्र महतो की भी बात मानी जाती है उनके भी पदयात्रा को हरी झंडी मिलती है केंद्रीय अध्यक्ष भी उसमें शामिल होते हैं किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन देते हैं तो आखिर संजय मेहता ही इतने अलग थलग क्यों पड़ गए आखिर देवेंद्र नाथ महतो या फिर मनोज यादव क्यों अलग थलग नहीं पड़े हालांकि सबसे अधिक मैंने जो बोट है वो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के बाद जो है संजय मेहता ही लाए और उस हिसाब से जो है वो देवेंद्र महतो भी कम से कम एक लाख पैंतीस चालीस हज़ार वोट लाने में कामयाब हुए थे लेकिन एक लाख साठ लगभग एक लाख साठ हज़ार वोट लाकर भी संजय मेहता अगर पार्टी में अलग थलग पर गए तो इससे साफ पता चल रहा है कि न वो लोकसभा चुनाव में हार के बाद केंद्रीय बड़ी उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की तरह कोई आंदोलन कर रहे थे न आंदोलन में उस तरह से सक्रिय देख रहे थे न उस तरह से संगठन बढ़ाने को लेकर काम कर रहे थे जयराम महतो की तरह तो देखने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे तो इस तरह से अब पता लग गया कि पार्टी में ही पूरी तरह से अलग थलग परे संजय मेहता कहीं ना कहीं पार्टी को एक कहीं ना कहीं जो है वो अवहेलना कर रहे थे पार्टी को एक ढंग से जो है वो अवहेलित करके अपनी बात मनवाने के लिए ही सिर्फ देखे जा रहे थे सुझाव देने के लिए देखे जा रहे थे और उस हिसाब से जो है केंद्रीय नेतृत्व की भी उन पर करी और टेढ़ी नज़र थी और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही थी और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो संभव है कि उनसे जो है वो इस्तीफा लिया जाता उनको पार्टी से किसी न किसी रूप में जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको जो है वो हटा दिया जाता उनको सभी पद से मुक्त कर दिया जाता और इसको समझते हुए संजय मेहता अपने आप को ही अलग कर लिए और जो है वो अपने स्वतंत्र हो गए लेकिन यह सब वह जानते थे कि आखिर उनका साथ है कोई क्यों नहीं दे रहा है और इसके पीछे चाहे वो मनोज यादव हो चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो क्यों उनसे जो है वो कन्नी काट रहे हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है और मनोज यादव और बोल भी रहे हैं कि पार्टी में हज़ार कमियां रहती हैं लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब पार्टी से दूर ही चला जाए नाता ही तोड़ ले तो हम जिस मकसद को लेकर आपस में जुटे थे पार्टी और संगठन बनाए थे तो उन मकसदों का क्या होगा तो मनोज यादव की भी बात अगर कहीं ना कहीं संजय मेहता माने होते तो आज पार्टी के अंदर होते और उसी रूप में रहते जिस रूप में कम से कम मनोज यादव टिके हुए हैं बने हुए हैं और लगभग उम्मीद की जा रही है कि उनको टिकट भी कहीं ना कहीं धनबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से कोडरमा के किसी विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट भी मिलेगा और देवेंद्र महतो को भी मिलेगा लेकिन यह बहुत ही एक विचित्र मामला है कि आखिर उनको केंद्रीय अध्यक्ष का तो साथ नहीं मिला मनोज यादव का भी साथ नहीं मिला और देवेंद्र नाथ महतो का भी साथ नहीं मिला यह एक जो है वो संजय मेहता के लिए सोचने का एक गंभीर विषय है जो कभी न कभी उस पर जरूर सोचेंगे जोहार नमस्कार